नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को फिगर दिया हुआ है एंड इट्स इज लेट एम वन इज ईगल टू वन के जी एम टू इज इक्वल टू टू के जी एंड एम थ्री इज ईगल टू थ्री के जी इन द फिगर हमें बताना है पहला पार्ट है सवाल का फाइंड एक्सेलेशन ऑफ एम वन एम टू एंड एम थ्री तीनों मासज जो उनका एक्सेलेशन क्या होएगा uh, दूसरा पार्ट है स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली टू एम वन इज ट्वेंटी सेंटीमीटर वेन द सिस्टम इज रिलीज फ्राम फ्रॉम द रेस्ट सवाल है हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर एम वन स्ट्राइक्स द पुली सो so, हमें बताना है कि M1 वन को ऊपर पुली हिट करने में कितना टाइम लगेगा अगर रस्सी ट्वेंटी सेंटीमीटर है सवाल मुश्किल नहीं है लंबा ज़रूर है ठीक है तो पर पेशेंटली करेंगे तो आराम से हो जाएगा सो so, सवाल ये है कि ये आपकी एक पुली यहाँ पे आपका एक मास M1 वन और यहाँ पे दूसरी पुली ये आपका मास M2 टू और ये आपका मास एम थ्री ऐसे बंधे हुए हैं ठीक है थीके? और इनकी वैल्यू दे रखी है ये एक किलो दो किलो और ये तीन किलो है सो तो वन टू और थ्री ये आपको डेटा दे रखा है ठीक है सो एक बार इसको और वेरीफाई कर लेते हैं एम वन एम टू एम थ्री वन टू और थ्री ठीक है हालाइट तो नाउ इस केस में फिर अगेन यहाँ पे कंस्टेंट मोशन यूज़ करेंगे और यहाँ पे मान लीजिए इसका एक्सलेशन ए वन ऊपर की तरफ है इसका एक्सेलेशन A2 ऊपर की तरफ है इसका एक्सेलेशन A3 ऊपर की तरफ है तीनों ही एक्सेलेशन हमने ऊपर की तरफ मान लिए फॉर द सिंपल रीज़न के अब इसके बाद कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे अगर इन तीनों में से कोई नेगेटिव होगा तो अपने आप वैल्यूज़ की नेगेटिव आ जाएगी सो हम ऊपर वाली डायरेक्शन को साइन कन्वेंशन ये ले रहे हैं कि ऊपर वाली पॉजिटिव डायरेक्शन है ठीक है आग कंस्ट्रेंट अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सो क्योंकि इसका एक्सेलेशन ए वन ऊपर की तरफ है तो इस पुली का एक्सेलेशन ए वन डाउनवर्ड्स होएगा सो so, अपना जो कंस्टेंट है वो इक्वेशन आपकी बन जाएगी माइनस ए वन विल बी इक्वल टू ए टू प्लस ए थ्री डिवाइडेड बाई टू ये आपकी इक्वेशन नंबर वन आ गई सो ये हमारी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन होगी नौ अब तीनों का एफ बी डी बना के इक्वेशन लिख लेते हैं सो so, पहले अगर एम वन का एफ बी डी बना के उसकी इक्वेशन लिखेंगे सो so, एम वन ब्लॉक है उसका एफ बी डी जब बनाएंगे तो नीचे फोर्स लग रहा है एम वन जी ऊपर जा रहा है तो डायरेक्ट मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ टी ए वन एक्सलेशन है तो अच्छा एक काम और करते हैं यहाँ पे मान लीजिए टेंशन टी है यहाँ पे टेंशन टी है तो यहाँ पे आपकी टेंशन इस uh, उसमें आपकी टेंशन टू टी आ जाएगी ठीक है सो uh, so इन दोनों का सम इसका अगर एफ बनाएंगे तो इन दोनों की टेंशन अगर टी टी है तो उसकी टूटी आ जाएगी आपकी इक्वेशन ठीक है सो so इसकी इक्वेशन हो गई टू टी माइनस एम वन जी विल बी इक्वल टू एम वन ए वन ये आपकी पहली एम वन की इक्वेशन बन जाएगी ठीक है और इसी से अगर हम ए वन की वैल्यू निकालें तो ए वन विल बी इक्वल टू टू टी माइनस जी डिवाइडेड बाय एम वन ये आपकी सेकेंड uh, इक्वेशन बन गई ए वन की आपकी वैल्यू ऐसे आ गई ठीक है जो हम कर रहे हैं वो पहले बता देता हूँ ये ए वन की वैल्यू टी और एम वन के टर्म्स में आ गई ये उसी ए टू और ए थ्री की वैल्यू लेके हम इस कंस्टेंट की इक्वेशन में रख देंगे तो पहले टेंशन की वैल्यू आएगी उसके बाद ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू आएगी अपनी ठीक है और एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दिस इज द फास्टेस्ट एंड द बेटर वे इसमें गलतियाँ बहुत कम होती हैं ठीक है थीके? एम टू ब्लॉक अगर उसका हम एफ बी डी बनाएंगे तो एम टू ब्लॉक है उसके ऊपर टेंशन लग रहा है और नीचे एम टू जी और एक्सेशन ए टू एक्सलेशन से ऊपर जा रहा है तो इसकी इक्वेशन बन सकती है uh, इसकी इक्वेशन टी माइनस एम टू जी विल बी इक्वल टू एम टू ए टू विच एम्प्लाइज आपका ए टू जो है वो हो जाएगा टी डिवाइडेड बाय एम टू माइनस जी आपकी इक्वेशन नंबर थ्री हो गई सिमिलरली एम थ्री ब्लॉक है उसकी uh, आप इक्वेशन लिखेंगे तो ए थ्री ऊपर एक्सेलेशन है सो तो इक्वेशन हो गई टी माइनस एम थ्री जी विल बी इक्वल टू एम थ्री ए थ्री विच एम्प्लाइज आपका ए थ्री जो है वो आ गया टी डिवाइडेड बाई एम थ्री माइनस जी यह आपकी इक्वेशन नंबर फोर हो गई ना इक्वेशन टू थ्री और फोर हम इक्वेशन वन में अब फिट uh, इन कर देंगे सो so, इसका मतलब है हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं सो so, आपका माइनस ए कि माइनस टू टी प्लस जी विल बी इक्वल टू अच्छा एक काम करते हैं इसको टू से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं सो so, ये हो जाएगा माइनस फोर टी प्लस टू जी विल भी इक्वल टू अब ए टू प्लस ए थ्री लिखना रह जाएगा सो so, ये आ गया आपका टी डिवाइडेड बाई एम टू ये वाला माइनस जी प्लस ए थ्री विच इज़ टी डिवाइडेड बाई एम थ्री माइनस जी हालाइट नाउ टी वाली टर्म सारी इस तरफ ले आते हैं जी वाली टर्म इधर ले आते हैं सो ये आपका जी 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 आपका बन जाएगा फोर जी विल बी इक्वल टू टी ये कॉमन आ गया सो ये बचा आपका फोर डिवाइडेड बाई एम वन प्लस वन बाय एम टू प्लस वन बाय एम थ्री हाईट इससे अपनी टी की वैल्यू आ जाएगी नाउ चाहे तो इसमें वैल्यू वन टू थ्री डाल के ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बट इन जनरल अगर आपको रिजल्ट निकालना हो सो देखने में थोड़ा सा खतरनाक और मज़ेदार लगता है सो so, सोटी की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू फोर मल्टीप्लायड बाय इसका एल्सीम आएगा एम वन एम टू एम थ्री डिवाइडेड बाय यहाँ पे बनेगा फोर एम टू एम थ्री प्लस ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे ये आएगा एम वन एम थ्री प्लस यहाँ पे जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे एम वन एम टू जी ये आपकी टेंशन की वैल्यू आ जाएगी बस यहाँ पे अपने को एम वन एम टू एम की वैल्यू रखनी है टेंशन आ जाएगी सो टेंशन विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा आपका फोर मल्टीप्लाइड बाय वन मल्टीप्लाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री डिवाइडेड बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय एम टू एम यानी कि टू इंटू थ्री टू इंटू थ्री अच्छा पहले ऐसे लिख लेते हैं टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री प्लस एम वन एम सी वन मल्टीप्लाइड बाय थ्री प्लस एम वन वन मल्टीप्लाइड टू जी सो टी की जो वैल्यू है वो आ गई अपनी फोर इंटू टू एट एट सीजा ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई ये बचा आपका फोर इंटू टू एट ये आ गया आपका ट्वेंटी फोर प्लस थ्री प्लस टू इंटू जी सो टेंशन की वैल्यू हो गई चौबीस ट्वेंटी फोर बाय ट्वेंटी नाइन जी ये आपकी टेंशन की वैल्यू आ गई ना इसको बस ए वन ए टू ए थ्री में रखना है और अपने तीनों एक्सलेशन आ जाएंगे ठीक है यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको सो so, आपका जो ए वन आएगा दैट विल इक्वल टू टू टी बाई एम वन एम वन की वैल्यू वन है सो दैट विल बी इक्वल टू टू मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी नाइन जी माइनस जी सो इसकी जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी सो दैट विल बी इक्वल टू एट ट्वेंटी नाइन है फोर्टी एट माइनस ट्वेंटी नाइन सो ये हो गया आपका फोर्टी एट माइनस ट्वेंटी नाइन सो so, ये बचा नाइन वन नाइनटीन इट सो दिस विल बी इक्वल टू नाइनटीन बाई ट्वेंटी नाइन जी आपका ए वन आ गया ए टू जो है वो यहाँ से आ जाएगा टी डिवाइडेड बाई एम टू यानी कि ट्वेंटी फोर बाय ट्वेंटी नाइन जी और डिवाइडेड बाई एम टू एम टू आपका टू है सो यहाँ टू माइनस जी माइनस जी सो बचेगा ट्वेल्व डिवाइडेड बाई ट्वेंटी नाइन माइनस जी सो so 12 में से 29 नाइन माइनस कर रहे हैं माइनस सेवनटीन बाई ट्वेंटी जी सो ए टू अपना ऑलरेडी नेगेटिव आया नेगेटिव आने का मतलब ये है कि हमने इसे माना तो ऊपर जा रहा है बट एक्चुअली ये ग्राउंड फ्रेम में नीचे जा रहा है ठीक है सिमिलरली uh, ए जो है वो आपके इस इक्वेशन से आ जाएगा टी बाय एम थ्री यानी कि हो गया वन बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फोर बाय ट्वेंटी नाइन जी माइनस जी सो ये बचेगा आपका एट एट माइनस ट्वेंटी नाइन सो Uh, ये बचा आपका 8 बाई ट्वेंटी नाइन माइनस वन इंटू जी सो आपका ए थ्री जो है वो आ गया माइनस तो, साइन के साथ 21 वन बाई ट्वेंटी ये आपकी फाइनल वैल्यूज हो गई इसका जो नेक्स्ट पार्ट है विद uh, सेज कि हमने यहाँ पे एम uh, ब्लॉक को जब छोड़ा है तो एम ब्लॉक की जो रस्सी है ये रस्सी आपकी 20 सेंटीमीटर की है सो दिस इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हमें बताना है यहाँ से वहाँ तक जब वो ऊपर हिट करेगी तो उसका टाइम कितना होएगा सो अगेन यहाँ ये एरिया यूज़ कर लेते हैं सो so, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एस इज इक्ल टू यू टी प्लस हाफ़ ए टी स्क्वायर सो यहाँ पर ऐसे आपका 20 सेंटीमीटर सो 20 बाय हंड्रेड लिख लेते हैं विल भी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो और एक्सेलेसन आपका हो गया ए वन एक्सेशन है ए वन कितना आया था ये आ गया आपका नाइनटीन बाई ट्वेंटी नाइन जी मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर सो इसको जब हम सोल्व करेंगे सो so आपका टी स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हो गई ट्वेंटी मल्टीप्लायड बाई टू मल्टीप्लायड बाई ट्वेंटी नाइन डिवाइड बाय तो ये ये ऊपर गए नीचे बचा 19 मल्टीप्लायड बाय 100 और टी का मतलब है इसका आपको हंड्रेड उठ लेना है सो so, इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है लाइट तो ये बचा आपका आ, हंड्रेड है इसे बाहर ले आते हैं इसका ये बचा आपका फोर्टी यानी कि टेन रू टेन जब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं जीरो पॉइंट टू फाइव सेकेंड इसकी वैल्यू आ जाएगी ऑलमोस्ट ठीक है सो दैट विल बी इसमें और कुछ है नहीं बाकी ठीक है सो so ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा